रफीक कामदार, आप सभी को 19 जुलाई शुक्रवार जुमा नमाज बाद विशालगढ़ गजापुर मस्जिद और मुस्लिम आबादी के हमले पर ह्यूमन चेन के तहत प्रोटेस्ट करने का जो मैसेज मिला है उसके ताल्लुक से बताने जा रहा हूं कि अब 4 बजे यहां पर 4:15 बजे के करीब बुमरा पुलिस स्टेशन में शहर के कई जिम्मेदारों को बुलाया गया था। मुफ्ती बासित साहब है, पूर्व नगर सेवक शाह लंबाई है, कांग्रेस के वसीम सैयद है, हमारी बेटी मर्जिया है, रेहान भाई थे और इमरान भाई है, सैफ पठान भाई है MIM से, उनकी तमाम टीम थी और नीलेश भाई है कांग्रेस से। तो ये ऐसे तमाम लोगों को पुलिस ने बुलाया था क्योंकि पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि ये ह्यूमन प्रोटेस्ट चेन का जो और प्रोटेस्ट है ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इन्हीं लोगों इनमें से कई लोगों को पता नहीं था क्योंकि कल मीटिंग हुई तो इन लोगों से उस वक्त संपर्क नहीं हो पाया था, इन लोगों से बातचीत और रब्ता नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर पहुँच करके मैंने पुलिस स्टेशन में सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे जो यहाँ के हैं उनके सामने बताया कि मैं और मेरे कुछ साथी हैं, हमने इस ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट के लिए कॉल दिया है। उनका कहना था कि आप निवेदन दे दो, तो मैंने कहा नहीं सर, हमको राज्य सरकार तक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुँचाना है। अवैध निर्माण या अतिक्रमण के नाम पर लीगल मुस्लिमों की प्रॉपर्टीज और लीगल मस्जिद हमारी तोड़ी गई है, उस पर हमले किए गए हैं और ये ट्रेंड जो है दिन ब दिन अब बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ पीड़ितों के पक्ष में मैसेज पहुंचाना है राज्य सरकार तक, इसलिए हम ये ह्यूमन चेन करेंगे, बड़ी शांतिपूर्वक करेंगे। तो मुमरा कोसा में शिवली नगर से लेकर के मुमरा स्टेशन परिसर तक कल जुम्मा 19 जुलाई 2:30 बजे रास्ते के दोनों तरफ आप सभी को अपने अपने इलाकों के नाकों के ऊपर लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी ह्यूमन चेन बना करके आपको प्लाकार्ड मिल जाएंगे, आपको बैनर्स मिल जाएंगे, मगर स्टेट गवर्नमेंट तक जो है एक कौम बन करके आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपन एक कौम है, एक मुसलमान है, ये सोच करके इस प्रोटेस्ट में शामिल होना है। एक संविधान प्रेमी है तो हमारे दलित समाज के भाई भी आ सकते हैं, OBC समाज के भाई भी आ सकते हैं, मूल निवासी भारतीय भी आ सकते हैं। इन सभी से भी मेरी अपील है क्योंकि आज हमारे धार्मिक स्थल है तो कल किसी और के धार्मिक स्थल हो सकते हैं, क्योंकि शहर देश में जो चीज़ें लाई जा रही है अब उस पर थोड़ी बहुत जो रोक लगती नजर आ रही थी तो उसके बाद फिर से देश भर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। गजापुर विशालगढ़ ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं यहाँ पर एक ऐड कर दूंगा कि ये तमाम प्रोटेस्ट के अलावा इसी मुद्दे पर इसी बात पर MIM के सैफ पठान भी कुछ बात अपनी रखेंगे, लेकिन मेरी ये फिर से एक फाइनल अपील, कल जुमा बाद 2:30 बजे से मुमरा स्टेशन से लेकर शिवली नगर नाके तक रास्ते के दोनों तरफ विशालगढ़ गजापुर मस्जिद मुस्लिम आबादी हमले के खिलाफ हमारा ह्यूमन चेन बना करके प्रोटेस्ट करना तय है। सभी आइए, सभी शामिल होइए, सभी जो है संवैधानिक तरीकों से हमारे धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए जैसा कि अभी हमारे साथी में रफीक कामदार साहब ने जो बताया कि यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाई जा रही है और इस तरीके का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो भी वाकया जो भी यानी पेश आया है उधर विशालगढ़ में मस्जिद को लेकर, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे MIM की टीम की तरफ से भी, महाराष्ट्र यूनिट की तरफ से, हमारे जो महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब की तरफ से एक यानी निर्देश ऑर्डर आया हुआ था कि उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की पूरी यूनिट बरोज़ जुम्मा अपने अपने हल्कों में प्रोटेस्ट करेगी। तो हमने भी कहीं ना कहीं परमिशन ली हुई थी और हम भी यानी बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पर यानी उसका धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से अभी 4 बजे मीटिंग की गई, हम लोगों ने अंदर यानी सीनियर साहब से बात की, हम लोग अपना प्रोटेस्ट करने वाले थे और अभी भी हम शायद करेंगे, और हमने चाचू की भी अंदर बात सुनी, अभी तक हमारा रब्ता नहीं हुआ था, इनसे भी हमको पूरी बात मालूम पड़ी कि पूरा शहर एक यूनिट बन करके एक मैसेज देना चाहता है, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी वही मैसेज देना चाह रही थी। तो हो सकता है कि हम लोग हमारा प्रोटेस्ट पीछे ले ले, हम हमारे वरिष्ठों से बात करके हमारा प्रोटेस्ट पीछे ले ले और जो ये जो यानी ह्यूमन चेन कॉल की गई है MIM की पूरी टीम उससे जुड़ करके वो ह्यूमन चेन में अपना प्रोटेस्ट जाहिर करे, हमारा मेमोरेंडम हम लोग बनाकर ला करके दे देंगे और इंशाल्लाह ताला इनके भी मेमोरेंडम के साथ हम वही ह्यूमन चेन के साथ जाएंगे। तो वही बातें भी हैं हम करनी है। कल हम लोगों ने मुहर्रम को देखते हुए एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ACP सर को मेमोरेंडम दिया था, अपनी आवाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल
अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट हुआ है उसके खिलाफ उठाई थी, पर कल जो हमारे रफीक अंकल ने जो ह्यूमन चेन की ऑर्गेनाइजेशन की है उसमें भी इंशाल्लाह हम, मैं, मेरे बाजी दर्शक जानू पठान और हमारी पूरी टीम जुड़कर उसके साथ खड़ी रहेंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग आइए और ये एक असंवैधानिक जो हादसा हुआ है कोल्हापुर में उसके खिलाफ शांतिपूर्वक महाराष्ट्र में जो हुआ है वो महाराष्ट्र में ना हो उसके खिलाफ हम शांतिपूर्वक खड़े रहें साथ। नहीं, जो विशालगढ़ कोल्हापुर और गजापुर का जो हादसा हुआ है ये बहुत ही तकलीफ देह है और गैरकानूनी है और बहुत बड़ा ज़ालिमाना और दहशतगर्दाना इकदाम है। उसके खिलाफ़ शहर के ज़िम्मेदारों ने जो कॉल किया है, मैं बहैसियत आलिम और एक शहरी होने के नाते तमाम शहरियों से दरख्वास्त करता हूँ, तमाम उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि इसका सपोर्ट करें। और कल जो प्रोटेस्ट ह्यूमन चैन का हो रहा है 2:30 बजे से शिवली नगर से लेकर के उमरा पुलिस स्टेशन तक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से शिरकत करें। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि विशालगढ़ के अंदर जो हुआ ये इस एक धर्म समुदाय को टारगेट करके हुआ, लेकिन जिसने किया वो दहशतवाद लोग थे, वो आतंकवादी लोग, वो इस देश की अखंडता को, एकता को बर्बाद करना चाहते थे। किसी एक समुदाय के साथ जो हुआ वो पब्लिकली सोशल मीडिया के जरिए दिखाया गया, लेकिन जो दलित भाइयों के साथ भी अत्याचार हुआ, वहाँ पर उनके घरों को भी तोड़ा गया, उसको छुपाया गया, ये देश के हालात बिगाड़ने की एक साजिश थी जिसको हम सबको मिलकर के जवाब देना है। हम सबको मिलकर के कल एकता और मोहब्बत का संदेश देना है। मेरे साथ नीलेश पाटिल यहाँ पर मौजूद है, हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि नफरत के मुकाबले में मोहब्बत ही जीती।